हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द स्काई कोडिंग। आज है हमारा डे 6 ऑफ द यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एंड वी आर बेसिकली कवरिंग द कंप्यूटर साइंस सिलेबस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, मींस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द डिवाइसेस विच एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पे हम लोग बेसिकली आज के इस वीडियो में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसी डिवाइसेस देखेंगे जो कि बोथ इनपुट और आउटपुट में एक्ट करती है। इनपुट में भी कुछ होती है और कुछ आउटपुट भी करती है, मीन्स दोनों चीजें करती है बोथ। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में हमने प्रीवियस वीडियो में बेसिकली कवर किया था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंड गाइस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को हमने काफी ब्रीफ में समझा था। तो अगर तुम लोग वो वीडियो देख लोगे तो तुम्हें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे। वहां पे हमने बहुत ज्यादा ब्रीफ में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देखा था, उनके एग्जाम्पल्स देखे थे, एप्लीकेशन सिस्टम एंड द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और उसके बाद हम लोगों ने लैंग्वेजेस भी देखी थी, हाई लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल और इनके ट्रांसलेटर्स, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे बनते हैं, तो वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक, और हमने हिस्ट्री, एवोल्यूशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारे वीडियोस के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और जो जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारे नोट्स तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे या व्हाट्सएप पे तुम चेकआउट कर लेना। अगर फिर भी तुम्हें कोई भी क्वेरी होती है तो तुम मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक, तुम लोग डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं ऑन द डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, डे वाइज हम लोग हर दिन एक नया नया टॉपिक करते हैं। ठीक है, तो उसमें जब तक हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम होगा उससे पहले हम लोग पूरा सिलेबस कर देंगे, प्लस उसके बाद MCQs है, बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, सारी चीजें हम लोग कंप्यूटर साइंस में करेंगे। ठीक है, अगर आप ये पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करोगे तो कंप्यूटर साइंस में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एंड इन टूडे सेशन वी विल सी अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, तुम्हें कोई उतना ज्यादा समझने वाली चीज नहीं कि क्या चीजें कैसे वर्क करती हैं। जैसे कि तुम डिजिटल लॉजिक में देखते हो बहुत सारे गेट्स होते हैं, नंबर सिस्टम में कुछ तुम्हारे पास प्रोटोकॉल्स रूल्स होते हैं, बट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में इतना ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, तुम डेली लाइफ में इसे यूज़ करते हो। ठीक, तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो पेरिफेरल डिवाइसेस है। पेरिफेरल डिवाइसेस में हमारी सारी डिवाइसेस आ जाती हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस भी, आउटपुट डिवाइस भी, और वो डिवाइसेज जो बोथ एक्ट करती है, इनपुट भी और आउटपुट भी। तो पेरिफेरल डिवाइसेस को तुम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बोल सकते हो या फिर IO बोल सकते हो, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस में तुम्हारे पास वो डिवाइसेज आती हैं जिनसे कंप्यूटर को तुम इनपुट देते हो, जैसे कि तुम्हारा कीबोर्ड हो गया। ठीक है, कीबोर्ड की बटन्स, कीज को तुम प्रेस करते हो तो कंप्यूटर को तुम्हारा इनपुट जाता है, या फिर माउस हो गया तो उससे तुम कंप्यूटर को बता रहे हो, कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हो कि जैसे जैसे तुमने अभी कैलकुलेटर का एग्जांपल लिया। ठीक, तो कैलकुलेटर में जैसे तुमने 2+2 प्रेस किया बटन से, तो वो तुम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हो, इनपुट जो कंप्यूटर को दे रहे हो वो तुम्हारा हो गया इनपुट डिवाइसेस। अब ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस है जिनसे यूजर इनपुट देता है, कंप्यूटर को या फिर मोबाइल को, किसी को भी। ठीक, अब जैसे इनपुट डिवाइसेस में हो गया तुम्हारा कीबोर्ड, कीबोर्ड से तुम इनपुट देते हो, वेबकैम हो गया तुम्हारा, स्कैनर हो गया, स्कैनर से इनपुट दे रहे हो। ठीक, लैपटॉप को, कंप्यूटर को स्कैन करने के लिए फाइल्स। ठीक, तुम्हारा बारकोड रीडर हो गया, ऑप्टिकल पेन हो गया, जो पेन जैसे कि स्टाइलस जैसे बोलते हो तुम पढ़ाने के लिए काम आता है, बहुत सारे टीचर्स यूज करते हैं स्टाइलस पेन और पैड का, तो स्टाइलस पेन से तुम जो भी लिखते हो तुम्हारे कंप्यूटर पे दिखता है, तो वो सब इनपुट दे रहे हो तुम कंप्यूटर के। और ये जॉयस्टिक तुम माउस की जगह यूज कर सकते हो, ये गियर टाइप होता है, जैसे कार में गियर होता है वैसे ही जॉयस्टिक होती है तुम्हारी, उससे तुम कर्सर को मूव कर सकते हो, इसको यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ माउस कभी कभी। ठीक है, तो ये तुम्हारी इनपुट डिवाइसेस हो गई जिनसे यूजर इनपुट देता है कंप्यूटर को, या फिर ऐसे तुम बोल सकते हो जिससे कंप्यूटर इनपुट लेता है। ठीक, अब आउटपुट डिवाइसेस देखें, तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? जिससे कंप्यूटर आउटपुट देता है, जैसे कि तुम्हारा स्क्रीन हो गया जिसमें तुम अभी देख रहे हो। ठीक, तो वो तुम्हारा आउटपुट डिवाइस हो गया, मॉनिटर तुम्हारा आउटपुट डिवाइस हो गया क्योंकि तुम मॉनिटर में ही देखते हो, तो वो तुम्हारा हो गया मतलब आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब तुम्हारे जितने भी प्रिंटर के टाइप्स हैं वो सब तुम्हारे आउटपुट डिवाइस में आएंगे। स्पीकर हो गया, स्पीकर से तुम्हें वॉइस आती है, जो चीज़ अंदर से बाहर आ रही मींस वॉइस आती है, जैसे कि मॉनिटर से तुम्हारा लाइट्स बाहर आ रही, मॉनिटर से तुम देख रहे हो। ठीक, तो वो तुम्हारा आउटपुट डिवाइस हो गया, स्पीकर से वॉइस बाहर आ रही है तो वो तुम्हारा आउटपुट डिवाइस, हेडफोन्स हो गए। अब कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो बोथ एक्ट करते हैं, इनपुट भी आउटपुट भी, ये हम लोग बाद में चेकआउट करेंगे। ठीक है,
चलो थोड़ा पीडीएफ देख लेते हैं, ठीक है। ये गाइस पीडीएफ मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा, सब तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तुमने काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, ये उसका पीडीएफ है। आज हम लोग बेसिकली कवर करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखने से पहले हम लोग थोड़ा सीपीयू का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन जैसे हो गया, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या होता है। एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि तुम्हारे जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, मान लो तुम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वो सारी चीजें तुम्हारा एएलयू कंट्रोल करता है। और कंट्रोल यूनिट बेसिकली तुम्हारे सारे ऑपरेशन, सारी कंट्रोलिंग चीजें कंट्रोल यूनिट करता है तुम्हारा, जो भी हो गया, ठीक। और ये तुम्हारा जो इनपुट डिवाइस है ये इसी से कनेक्टेड है, और ये आउटपुट डिवाइस यहाँ से आउटपुट देती है। जो भी यूजर को इनपुट देना है वो इनपुट डिवाइसेस से देगा। अब ये तुम्हारे मेमोरी में जाएगा, फिर वहां से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे और आउटपुट डिवाइसेस से तुम्हें आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये तुम्हारा सीपीयू का बेसिक कंट्रोल और डेटा फ्लो है, ठीक। अब तुम इनपुट डिवाइसेस का डेफिनेशन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, विच द डिवाइसेस विच यूजर्स यूज टू एंटर द डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम, वो तुम्हारी इनपुट डिवाइसेज होंगे, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, लाइट पेन वगैरह, ठीक। अब इसके फंक्शंस क्या है, ये एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, ये आउटसाइड वर्ल्ड से डेटा को एक्सेप्ट करती है। जैसे तुम्हारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड से बटन्स टाइप करोगे तो वो आउटसाइड जो डेटा तुम दे रहे हो उसे, वो उसे एक्सेप्ट करती है और कंप्यूटर को देती है, ठीक। तो वो तुम्हारा इनपुट डिवाइस। अब कन्वर्ट दैट डेटा इनटू कंप्यूटर कोडेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा यहाँ पे शिवम, ठीक। तो शिवम लिखा, तो शिवम जो है ये तो एक अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक। अल्फा चीज मतलब करेक्टर्स है हमारे, ठीक। बट ये कंप्यूटर को तो समझ नहीं आएगा, कंप्यूटर को तो बाइनरी समझ में आती है। तो ये कन्वर्ट भी करता है हमारे ट्रांसलेटर्स, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो सारी चीजें भी यहाँ से कंट्रोल होती है। एंड दे बेसिकली सप्लाई दिस डेटा फॉर सीपीयू, सीपीयू को सप्लाई करती है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे तुमने 2+2 दिया तो जो ऑपरेटर होगा वो यहाँ एएलयू के पास जाएगा, तुम्हारा डेटा वहां से ऑपरेशन परफॉर्म होके तुम्हें आउटपुट डिवाइसेस से आउटपुट दिख जाएगा, मीन्स 2+2=4, राइट। अब आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो द डिवाइसेस विच डिस्प्ले द रिजल्ट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर। अब जैसे 2+2 तुमने इनपुट दिया कीबोर्ड का यूज करके, तो कीबोर्ड यहाँ पे इनपुट डिवाइस यूज हुई, अब तुम्हारा एएलयू में चला गया वो 2+2 डेटा। अब वहां से तुम्हें वो डेटा कंप्यूटर तुम्हें कैसे शो करेगा, मॉनिटर स्क्रीन पे शो करेगा, तो मॉनिटर स्क्रीन तुम्हारी आउटपुट डिवाइस है, ठीक। अब मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये तुम्हारे एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक। इसके फंक्शन की बात करें तो ये एक्सेप्ट द रिजल्ट फ्रॉम द सीपीयू। अब जैसे तुमने रिजल्ट तो दे दिया कीबोर्ड से, वो तुम्हारे सिस्टम में पहुंच गया। अब जो सीपीयू जो चीज तुम्हें आउटपुट देगा, सीपीयू जो रिजल्ट प्रिंट करके देगा 2+2=4, तो वो कौन एक्सेप्ट करेगा, वो तुम्हारी आउटपुट डिवाइस एक्सेप्ट करेगी, ठीक। तो ये हो गया कन्वर्ट दैट रिजल्ट इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। अब क्या हो गया, अब जैसे तुमने जो भी रिजल्ट दिया था 2+2, ठीक, तो 2+2 तो सिस्टम को नहीं समझ में आता, 2+2 को उसने बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर वहां सीपीयू में उसकी प्रोसेसिंग हुई, वहां से 2+2=4 आ गया। अब 4 का बाइनरी फॉर्म में वहां पे रिजल्ट बना कुछ। अब बाइनरी फॉर्म में वो अगर तुम्हें रिजल्ट दे देगा 4, तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, बिकॉज वो ह्यूमन लो लेवल लैंग्वेज हो गई। अब उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तुम लोग ट्रांसलेटर यूज करते हो, तो इसीलिए अंदर सीपीयू में ही वो ट्रांसलेशन होता है, फिर से उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मीन्स ओवरऑल प्रोसेस ये है, तुम जो भी इनपुट दोगे इनपुट डिवाइसेस को यूज करके, वो तुम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दोगे, मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी कोड दोगे वो हाई लेवल लैंग्वेज में दोगे, फिर सिस्टम उसे समझने के लिए अपनी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, अंदर सारा प्रोसेसिंग लो लेवल लैंग्वेज में होगा, मीन्स बाइनरी फॉर्म में। उसके बाद जब तुम्हें आउटपुट देखने को मिलेगा, आउटपुट दिखाएगा जब तुम्हारा सीपीयू, तो फिर से वो तुम्हें तुम्हारी ही लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा हाई लेवल लैंग्वेज में, जिसे तुम समझ पाओ। तो ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक। डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द आउटपुट डिवाइस पे रिजल्ट दिखाएगा, ठीक। मेमोरी यूनिट बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए होती है, ठीक। कैन बी स्टोर पास टू आउटपुट डिवाइसेज, ये मेमोरी यूनिट हो गया। कंट्रोल यूनिट सीपीयू क्या करता है, कंट्रोल यूनिट बेसिकली कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके। तो ये सारी चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन में। चलो अब देखते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तुमने बता दिया विच यूज टू एंटर द डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम, ये इसके एग्जांपल हो गए, ये फंक्शन हो गया, ठीक। अब इनपुट डिवाइसेस के कुछ क्लासिफिकेशन हैं, टाइप्स है, जैसे कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस तुम्हारा कीबोर्ड है, मीन्स सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस का तुम्हारा कीबोर्ड, ठीक। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस तुम्हारा हो गया कीबोर्ड,
ठीक। अब उसके बाद तुम्हारी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, जैसे कि तुम्हारा माउस, ट्रेस बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो तुम्हारे लैपटॉप से या फिर मॉनिटर होते हैं, वो बेसिकली दोनों चीज़ों में आते हैं, इनपुट भी एक्ट करते हैं, आउटपुट भी एक्ट करते हैं। क्योंकि टच स्क्रीन जब तुम यूज करके उसको कुछ दे रहे हो इनपुट, तो वो तुम्हारा उस टाइम पे एक्ट करेगा इनपुट डिवाइस, क्योंकि तुम टच करके तुम इनपुट दे रहे हो, बट आउटपुट भी वहीं से तुम्हें मिलेगा। तो आउटपुट देते टाइम वो तुम्हारा एक्ट करेगा आउटपुट डिवाइस, तो वो दोनों चीजें एक्ट करता है। ठीक है। अब कुछ इसकी कैटेगरी है स्पेशल इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि माइक्रोफोन, स्कैनर हो गया। अब स्कैनर क्या करता है, स्कैनर बेसिकली इनपुट आउटपुट दोनों एक्ट करता है। जैसे तुमने कोई चीज स्कैन करना है तो वो तुम इनपुट ले रहे हो प्रिंटर से, अब कुछ आउटपुट देना है तो प्रिंटर से तुम आउटपुट भी दे रहे हो यूजर को। तो दो चीजें वहां पे हो रही है, दो चीजें हो रही है, तो इनपुट भी एक्ट कर रहा है, आउटपुट भी एक्ट कर रहा है। ठीक है। वैसे ये तुम्हारा कैमरा है, माइक्रोफोन है। ठीक है। तो ये तुम्हारा इनपुट, माइक्रोफोन तो बेसिकली एक ही है इनपुट ही डिवाइस, क्योंकि माइक्रोफोन से बस इनपुट ही जाता है, मीन्स वॉइस ही जाती है। ठीक है। तो ये माइक्रोफोन आ गया। ठीक। अब अगर बात करें इनके थोड़ा ब्रीफ में जाने की ये सब डिवाइसेस के बारे में, तो मैं तो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तुम वहां से चेकआउट कर लेना। हम तुम्हें तो थोड़ा थोड़ा चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक। तो कीबोर्ड, कीबोर्ड तो बेसिक सी चीज है, सब लोग जानते हैं। कीबोर्ड तुम्हारे मोबाइल में भी होता है और तुम्हारे लैपटॉप में भी होता है, लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट होता है, और कंप्यूटर अगर यूज कर रहे हो सिस्टम तो बाहर से होता है। ठीक। अब स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर तुम्हारे पास बेसिकली 104 कीज होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक और सारी चीजें वहां पे होती है। ठीक। अब अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा कीबोर्ड, आजकल जो कीबोर्ड आ रहे हैं उनका तो कोई एक स्पेसिफिक फिक्स्ड कीज नहीं है कि कितनी कीज होती हैं, कभी कभी न्यूमेरिक गैप कर देते हैं, फंक्शन कीज गैप कर देते हैं, बट जो स्टैंडर्ड कीज है तुम्हारे कीबोर्ड की वो 104 है, 104, ये चीज तुम्हें याद रखना है। ठीक। अब कीबोर्ड बेसिकली दो टाइप के होते हैं, जनरल पर्पस कीबोर्ड एंड स्पेशल पर्पस कीबोर्ड। ठीक। तो जनरल पर्पस कीबोर्ड होते हैं, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। यहाँ पे देखो इन्होंने 101 कीज दी है, बट तुम अगर चेकआउट करोगे इंटरनेट पे तो वहां पे 104 कीज मिलेंगे। ठीक है। तो जनरल पर्पस के कीबोर्ड में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि जनरल पर्पस मीन्स तुम्हारा जनरल के लिए, मतलब वो सब लोग यूज करते हैं वही कीबोर्ड जनरल पर्पस। तुम चाहे कोडिंग के लिए यूज करो, कहीं किसी कॉलेज में है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा एंट्री के लिए यूज कर रहे हो, या फिर मतलब कोई टिकट बुकिंग वाला होटल मैनेजमेंट में कोई रिजर्वेशन के लिए यूज कर रहा है, या फिर मतलब कि किसी भी चीज में यूज करते हो, वो जनरल पर्पज में सब लोग इसे यूज करते हैं। स्पेशल पर्पज वो किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए वो कीबोर्ड डिजाइन किया गया है। ठीक। तो डिफरेंस है। अब जो हमारा जनरल पर्पज कीबोर्ड है उसके अंदर तुम्हारे इतने सारे अल्फा न्यूमेरिक कीपैड होता है, वहां पे अल्फा न्यूमेरिक में तुम्हारे पास ये सिंबल्स आते हैं, @#, डॉलर, परसेंटेज, एस्ट्रिक। ठीक है। तो ये तुम्हारे अल्फा न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड में बेसिकली 0 to 9 नंबर्स होते हैं, और ये तुम्हारे साइंस होते हैं प्लस और ये डिवीजन वाले। ठीक। एरो कीज होती हैं अप डाउन, ये तो तुम्हें पता ही होगा। ठीक। अप डाउन, लेफ्ट राइट। ठीक। फंक्शन कीज होती हैं F12 तक के, F1 to F2 F3, लाइक दैट वे। ठीक। तुम्हारी फंक्शन कीज हो गई। अब स्पेशल कीज होती हैं जैसे कि टैब हो गए, इंटर हो गया, स्पेस हो गया, और ये तुम्हारा बैक स्पेस, डिलीट, होम, एंड, पेज डाउन, पेज अप, इंसर्ट, ये सारी चीजें तुम्हारी हो गई। कैप्स लॉक हो गया, ESC कीज हो गई, एल्ट कंट्रोल नम लॉक कैप्स लॉक, ये सारी तुम्हारी स्पेशल कीज हो गई। ठीक है। तो ये तो बस बेसिक चीजें तुम्हें पता ही है। ठीक। अब स्पेशल पर्पज कीबोर्ड जो होता है वो किसी एक स्पेशल पर्पज के लिए डिजाइन किया गया है, ये किया जाता है, देख रहे हो तुम, एप्लीकेशन विच रिक्वायर्ड फास्टर डेटा एंट्री एंड रैपिड इंटरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल ATM यूज इन बैंक्स यूज जनरल पर्पज कीबोर्ड विद कंटेंस फ्यू कीज। अब ATM हो गया, जैसे तुम्हारा ATM के अंदर तुम्हारे पास बहुत ही कम ही बटन्स होती हैं, जैसे कि नंबर्स होते हैं, इंटर होता है, कैंसिल होता है, बस 3-4 बटन, मतलब कि अप्रोक्स तुम कह सकते हो 12-13 बटन्स होती हैं बस। तो वो तुम्हारे एक स्पेशल पर्पज कीबोर्ड हो गया, क्योंकि वो ATM की मशीन के लिए विड्रॉ करने के लिए यूज होता है, विड्रॉ और कभी कभी डिपॉजिट करने के लिए वाले भी ATMs होते हैं। तो वहां पे कोई एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए वो कीबोर्ड डिजाइन किया गया है, सिर्फ ATM के लिए, तो वो स्पेशल पर्पज कीबोर्ड हो गया। ठीक है। अब जैसे तुम आपने कैलकुलेटर का एग्जाम्पल लोगे, जो एक स्टैंडर्ड कैलकुलेटर आता है, उसके अंदर कुछ कीज होती हैं, कुछ सोल्यूशन के लिए कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, तो वो एक कैलकुलेटर के लिए कीबोर्ड डिजाइन किया, तो वो स्पेशल पर्पस कीबोर्ड्स हो गए। ठीक। बाकी जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स हैं उनके अंदर इतनी सारी बटन्स, एरोस कीज, फंक्शन कीज, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। तो कीबोर्ड तुम्हारा इनपुट डिवाइस है, ये तो बता दिया मैंने। ठीक। अब माउस, माउस क्या होता है, माउस से तुम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या, एक लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, और बीच में तुम्हारा वो होता है क्या, सर्कल, उसको क्या बोलते हैं यार, उसको
ड्रैग वगैरह करने के लिए यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है टू और थ्री बटन, लेफ्ट बटन यूज टू पॉइंट आउट राइट दिस व्हेन यूजर मूव्स माउस अक्रॉस फ्लैट सरफेस डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन, क्लिक डबल क्लिक, ये तो मतलब बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। ड्रैग करने के लिए ये सब चीजें यहाँ पे लिखी, माउस का बेसिक तुम्हें यूज पता ही है। ये हम राइट क्लिक कर रहे हैं, ये देखो राइट क्लिक, तो ये सेलेक्ट कर लिया। अभी लेफ्ट क्लिक करेंगे तो लेफ्ट क्लिक से ये हमारा आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है ये सब, ठीक। तो ये सारी सिंपल चीजें हैं, और बीच में एक सर्कल टाइप से होता है, उसे तुम लोग ड्रैग करते हो। ये देखो हम ड्रैग कर रहे हैं तो ऊपर नीचे हो रहा है, स्क्रोल हो रहा है। अब इसको क्या बोलते हैं वो तुम चेकआउट कर लेना, ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। अब तो तुम्हारा माउस सिंपल चीज हो गया। अब ट्रेस बॉल, ट्रेस बॉल बॉल जो है वो सिंपल सी चीज होती है तुम्हारे माउस के जैसी। ये ट्रेस बॉल डिवाइस विच यूज टू मूव ग्राफिक कर्सर ऑन द स्क्रीन, जैसे कि जो डिजाइनर्स होते हैं वो बेसिकली इसे यूज करते हैं टू मूव द ग्राफिक कर्सर ऑन स्क्रीन। बॉल इज रोटेटेड विद द फिंगर्स, इट नीड्स नॉट टू मूव द होल डिवाइस, ओके। इसमें जैसे माउस में क्या होता है, माउस में हम पूरा माउस को इधर उधर ड्रैग करते हैं, बट अगर तुम ट्रेस बॉल का यूज करोगे तो तुम्हें पूरा माउस नहीं मतलब इधर उधर करना, बस उसके अंदर एक वो होता है बॉल जैसा, उसे ही तुम्हें मूव करना होता है इधर उधर, तो उससे तुम्हारा कर्सर मूव हो जाएगा, ठीक। तो वो तुम्हारा ट्रेस बॉल हो गया, शेप्स हो गई, ये तुम्हारे स्क्वायर और या फिर बॉल और या फिर ठीक फिंगर से मूव करते हैं। इनके सब बटन तो तुम फिंगर से डिजायर डायरेक्शन में कर सकते हो, ठीक। ये सारी चीजें तुम्हारी हो गई ट्रेस बॉल की, ठीक। ये टेक लेस डेस्क स्पेस, क्योंकि वो एक जगह फिक्स्ड है। अब जैसे तुम्हारा ये माउस है, इससे तुम्हें इधर उधर करना पड़ेगा तो ये ज्यादा स्पेस लेगा, ठीक। मतलब ज्यादा क्या ही स्पेस लगा, जो नए नए पहली बार यूज करते वो माउस को पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते, बट उतना नहीं होता इतना। जैसे इन कंपेरिजन विद द ट्रेस बॉल, तुम्हारा जो माउस है नॉर्मल माउस वो ज्यादा स्पेस लेता है, क्योंकि तुम्हें इसमें पूरे माउस को इधर उधर इसे प्लेस चेंज करना पड़ता है, इसे ड्रैग करना पड़ता। बट जो तुम्हारा ट्रेस बॉल है उसमें कुछ ऐसा नहीं, माउस एक जगह फिक्स्ड हो जाएगा, तुम्हारा ट्रेस बॉल उसके अंदर जो तुम्हारा बटन रहेगा एक सर्कल वो सिर्फ मूव करता है, बस उसे तुम्हें ड्रैग करना है इधर उधर बस, ठीक। लेस आर्म मूवमेंट लेगा क्योंकि वो तो फिक्स्ड है एक जगह पे, तुम्हें बस सर्कल को एक फिंगर रख लेना उस पर इधर उधर ड्रैग करना, ठीक हो गया, ठीक। रिक्वायर एनी माउस पैड, लेस स्ट्रेन, फिंगर ट्रिप कंट्रोल, ठीक। ये सारा तुम्हारा ट्रेस बॉल का खेल है, ठीक। अब ट्रेस बॉल नाम से ये कह सकते हो कि वो तुम्हारा माउस जैसा होगा, वो एक जगह पे फिक्स्ड रहेगा, बट उसके अंदर एक सर्कल टाइप से एक बटन होगी, बस तुम्हें उसे ही ड्रैग करना। अब जैसे ये वाला माउस है हमारे पास, इसमें ये ड्रैगर है, ये देख रहे हो ड्रैग कर रहे हैं, ये बीच में सर्कल है इसे ड्रैग कर। अब उसमें क्या है, अब इसमें जैसे इधर लाना है तो माउस को ड्रैग करना पड़ रहा है, बट जो तुम्हारा ट्रेस बॉल होता है उसमें तुम्हें माउस को इधर उधर कहीं नहीं ले जाना, बस तुम्हें माउस को एक जगह पर रखना, बस तुम्हें ऐसे बीच में सर्कल जैसा होता है उससे तुम लेफ्ट राइट अप डाउन जिधर चाहो उधर स्क्रॉल कर सकते हो, बट इसमें जो सर्कल है इसमें सिर्फ अप डाउन ही कर सकते हैं, ठीक। तो ये डिफरेंस होता है। अब जो स्टिक तुम्हारी क्या आती है वो सेम प्रिंसिपल ट्रेस बॉल पे ही वर्क करती है। ये देखो गियर टाइप से होता है, जैसे कार में गियर्स होते हैं उसी टाइप से होते हैं। स्टिक विच इज प्लेस्ड ऑन द स्पेरिकल बॉल, स्टिक यूज टू मूव द कर्सर। स्टिक जो होती है वो भी तुम्हारी लेफ्ट राइट बैकवर्ड पोजीशन। अब तुम्हारे पास एक चीज है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी फिक्स्ड है एक जगह पे रख दो, फिर तुम्हारे पास एक गियर जैसा है उसे तुम जिस साइड घुमाओगे उस साइड तुम्हारा कर्सर पहुंच जाएगा, तुम चाहे लेफ्ट करो राइट करो टॉप बॉटम कहीं पे भी कर सकते हो, ठीक। ये भी सेम होती है तुम्हारे माउस की तरह, एक्सेप्ट दैट विद द माउस कर्सर स्टॉप्स एंड मूविंग एज सून एज यू स्टॉप मूविंग द माउस, ठीक। विद द जॉयस्टिक द पॉइंटर कंटिन्यूज मूविंग द डायरेक्शन द जॉयस्टिक इज पॉइंटिंग। तो इसमें जैसे माउस को है, जैसे मैं इधर ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे आके जैसे जैसे मान लो इधर ले जाना लेफ्ट टॉप में मैं ले जा रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे कर दिया माउस छोड़ दिया तो यहाँ पे कर्सर रुक गया, बट जॉयस्टिक में क्या होता है तुम अगर इधर ले जा रहे हो तो वो उधर चलता चला जाएगा उधर, बेसिकली तुम्हें उसे ज्यादा मूव नहीं करना पड़ेगा। कंटिन्यूज टू मूविंग इन द डायरेक्शन द जॉयस्टिक इज पॉइंट, जॉयस्टिक जिधर भी पॉइंट कर रही उस साइड वो मूव करता ही जाएगा, ठीक। टू स्टॉप द पॉइंटर यू मस्ट रिटर्न द जॉयस्टिक टू इट्स अपराइट पोजीशन। अब जैसे तुम गियर में क्या होता है, तुम गियर डाल रहे हो, पहला गियर डाला तो पहले गियर साइड में है तो वो पहला गियर पड़ गया, अब तुम्हें उसे इनिशियल पोजीशन में लाना है, न्यूट्रल में लाना है, तो न्यूट्रल वाली पोजीशन पे लाओगे ना, वैसे ही इसका भी है। तुमने जैसे कि इधर को हमारी जॉयस्टिक पॉइंटेड है लेफ्ट टॉप को, लेफ्ट टॉप को, ठीक। तो इधर को ऐसे पॉइंट है तो इधर कर्सर तुम्हारा ऑटोमेटिकली मूव करता रहेगा, अगर तुम्हें उसे बंद करना है तो तुम्हें उसे फिर से इनिशियल पोजीशन में लाना होगा, तब वो बंद हो जाएगा, ठीक।
ये इसके जॉयस्टिक के बेसिक सिस्टम्स हैं जहां पे जॉयस्टिक यूज होती है। एयरक्राफ्ट में तुमने देखा होगा पायलट पकड़ता है ना जॉयस्टिक को ऐसे मूवमेंट कराने के लिए, तो वहां पे यूज होता है। मोटराइज्ड व्हील चेयर में, माइक्रोस्कोप में यूज होता है, सबमरीन्स में, सिक्योरिटी सिस्टम में, वीडियो गेम्स में, तुमने बहुत सारे गेम्स खेले होंगे जॉयस्टिक वाले, तो वो जॉयस्टिक होते हैं। ठीक, अब इसका एडवांटेज, इजी टू यूज एंड लर्न, इट इज बिग एनालॉग। अब लाइट पेन देखते हैं। ठीक, लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस है, ड्रॉ डायरेक्टली ड्रॉ ऑन द स्क्रीन। अब लाइट पेन का बेसिकली यूज करते हैं हम लोग, जैसे तुम्हें एक पैड जैसा मिलता है, तुम जो भी जैसे उस पर लिखोगे वो तुम्हें मॉनिटर स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो वो लाइट पेन का काम होता है। ठीक, इसमें ज्यादा उतना डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन का ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ओके, सॉरी गाइस। सो इंजीनियर आर्किटेक्ट जैसे कोई फैशन डिजाइनर है, वो कुछ डिजाइन करता है, तो वो लोग ये यूज करते हैं लाइट पेन को। बाकी तो लाइट पेन आजकल कोई भी यूज कर लेता है, स्टाइलस भी जैसे पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो लाइट पेन हो गया, लेस एक्सपेंसिव, टच स्क्रीन से कम एक्सपेंसिव होता है। अब तुम टच स्क्रीन लोगे, उस पर बनाओगे, तो उतना बढ़िया तुम्हें एक नहीं डिजाइन कर सकते किसी फिगर को या आर्किटेक्चर को, बट तुम लाइट पेन से काफी अच्छे से डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट बिल्कुल होता है पेन के जैसा। राइट, तो वर्क्स ऑन एनी साइज स्क्रीन, कैन नॉट स्क्रैच, डैमेज नहीं होगा। अब जैसे तुम टच स्क्रीन से अपने मॉनिटर पर लिख रहे हो तो स्क्रैचेस बनने के चांस है, बट तुम पेन से अगर टाइप करोगे अपने उस टाइपिंग पैड में कुछ अपना पेन से लिख रहे हो, तो उससे कोई मतलब ऐसे डिसएडवांटेजेस नहीं है इसके, मतलब कोई स्क्रैच वगैरह नहीं होगा। ठीक, अब टच स्क्रीन क्या, टच स्क्रीन सिंपल सा तुम्हारा मॉनिटर है, जैसे तुम्हारा मोबाइल फोन है वो टच स्क्रीन, तुम जहाँ पे टाइप करते हो वहाँ पे वो चलने लगता है, इसमें कोई बटन्स की जरूरत नहीं है। वैसे ही मॉनिटर भी आता है टच स्क्रीन, टच तुम जैसे अभी मान लो हमें यहाँ से स्क्रॉल करना, तो अगर हमारा टच स्क्रीन होता तो हम यहाँ से ऐसे सिंपली उसी पे क्लिक करके उसे स्क्रॉल कर सकते, तो वो तुम्हारा सिंपल टच स्क्रीन मॉनिटर, इसमें कुछ ज़्यादा देखने वाली बात नहीं है। ऑप्टिकल सेंसर से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, अब डिजिटाइजर होता है, इनपुट डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग पिक्चर्स, मैप, ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्म, अलाउज वन ड्रॉ हैंड इमेजेस सिमिलर टू द वे वन ड्रॉज इमेजेस। ठीक, अब जैसे कुछ डिजिटाइजर भी होता है, जैसे तो आजकल देख रहे हो बहुत सारी AIs आ गई हैं, वहाँ पे तुम्हें जैसे कि मान लो तुम्हें बनाना है, समझ सपोज कर लो तुमने एक बर्ड बनाई, रैंडमली ऐसे बर्ड बना दी हैंड राइटिंग में, एक मतलब कि ऐसे रफ बर्ड बना दी वहाँ पे तुमने। ठीक, अब वो तुम्हें डायरेक्टली एक बढ़िया सा फिगर बर्ड का कन्वर्ट करके वो दे देता है, तो वो तुम्हारा बर्ड वगैरह हो गया। ठीक, मतलब ये डिजिटाइजेशन के लिए यूज होता है। ठीक, बाकी इसमें तुम्हें उतना कुछ ब्रीफ में कुछ नहीं देखना है, बाकी तुम्हें इतने ही एग्जांपल्स आएंगे कि कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, बाकी इसके अलावा और ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे यहाँ से। ठीक, माइक्रोफोन भी तुम्हारा इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन में जो भी तुम बोलते हो तुम्हारी वॉइस तुम्हारे लैपटॉप में जाती है या फिर तुम्हारे माइक में फोन में जाती है, तो माइक्रोफोन भी तुम्हारा इनपुट डिवाइस है, इनपुट ले रहा है। ठीक, और वेब कैमरा क्या, वेब कैमरा तुम्हारे लाइव फुटेज को कनेक्ट कर रहा है, जैसे तुम्हारा कैमरा है तुम्हारे लैपटॉप के अंदर। ठीक, तो अब अगर तुमने कैमरा ऑन किया, कोई गूगल मीट करो, तो तुम्हारी फोटो उसके अंदर, तुम्हारा वीडियो उस कैमरे के अंदर से जा रहा है, किसी दूसरे को दिखाई दे रहा है मीटिंग्स वगैरह में, तो वेब कैम जो है तुम्हारा लैपटॉप के अंदर वो तुम्हारा एक्ट कर रहा है एज अ इनपुट डिवाइस। फोन का भी कैमरा है, तुम फोन से फोटो खींच रहे हो ना, तो वीडियो तुम्हारा उसके अंदर जा रहा है, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। ठीक, वेब कैम भी हो गया। स्कैनर, स्कैनर होते हैं जैसे इमेज स्कैन करने के लिए, जैसे तुमने कोई अभी तुम जाते हो अपना फॉर्म डलवाने के लिए, मान लो कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म डलवाने जाओगे तुम, या फिर डलवा दिया होगा, तो तुम डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो, तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंटर में रखता है, वही प्रिंटर ही आजकल स्कैनर का भी एक्ट करता है। ठीक, स्कैनर उसी से स्कैन कर सकते हो, तो उसके अंदर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स रखेगा, तो तुम वो डॉक्यूमेंट सारे स्कैन होकर उसके सिस्टम में आ जाएंगे, तो वहां पे क्या है, स्कैनर वो प्रिंटर स्कैनर एक्ट कर रहा है, तो स्कैनर क्या है, तुम्हारा इनपुट डिवाइस। ठीक, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर्स हैं। ठीक, ऑप्टिकल सेंसर्स, ऑप्टिकल सेंसर में जैसे OMR होती है, OMR सीट होती है ना, जहाँ जिससे हम लोग एग्जाम देते हो, उसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर वो डिवाइस है दैट इज कैपेबल ऑफ प्री स्पेसिफिक टाइप ऑफ मार्क, वहाँ पे सर्कल्स हम लोग करते हैं ना ब्लू ब्लैक पेन से ना, तो वो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है, जैसे वो भी एक प्रिंटर टाइप होता है जिसके अंदर OMR सीट डाल दी जाती है, वो इनपुट डिवाइस हो गई, तो उसके अंदर जैसे मैंने OMR सीट डाल दी, तो वो पूरा चेक करेगा कि कौन सा सर्कल सही, इमेज कौन सा आंसर सही है, उसके अंदर फीडिंग होती है, उसी हिसाब से वो कॉपी चेक करके मार्क्स तुम्हें आउटपुट करके दे देता है। तो OMR जो तुम जिस पे एग्जाम्स वगैरह देते हैं ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर उसका फुल फॉर्म है, ये तुम याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो OMR भी जो है तुम्हारा एक स्कैनर ही, एक मशीन स्कैनर जैसे प्रिंटर जैसी होती है, उसी में OMR स्कैन होती है। तो OMR मशीन में तुम डालते हो OMR को, ठीक है, तो वो भी वहां पे एक्ट कर रहा है इनपुट डिवाइस। ठीक, अब इसके एडवांटेज देखोगे तो स्पीडी होता है, चीप इनको, डिसएडवांटेज कैन नॉट एबल टू रीड करेक्टर्स। अब जैसे तुम्हें बोला जाता है ना, तभी तो वहां पे सर्कल सर्कल करवाए जाते हैं, वहां पे तुम्हें कुछ लिख नहीं सकते वहां पे, क्योंकि वो करेक्टर्स को रीड ही नहीं कर सकता। ठीक, इरेजिंग कैंसिलेशन नॉट पॉसिबल। ठीक, गुड क्वालिटी एक्सपेंसिव पेपर इज रिक्वायर्ड भाई, क्योंकि तुम सर्कल करोगे भाई, एग्जाम में जाओगे सर्कल मान लो ज्यादा गहरा कर दिया वहां पे, तो OMR सीट फट जाएगी तुम्हारी ना। तो इसलिए गुड क्वालिटी पेपर रिक्वायर्ड होता है, और स्कैन वहां पे आंसर्स को सही करता है ना, इसलिए। अब OCR भी होता है एक तुम्हारा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर डिवाइस। तो ये तुम्हारा OCR क्या होता है, ये तुम्हारे अल्फाबेट्स को, नंबर्स को रीड कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है जो भी तुम्हारे पेपर पे लिखे होंगे। ठीक, तो ये तुम पढ़ लेना अगर ज्यादा ब्रीफ में जान। OMR तुम्हारे क्या होता है, वो सिर्फ तुम्हारे एक स्पेसिफिक चीजों को समझ सकता है, मीन्स तुम्हारे सर्कल्स को या फिर स्क्वायर को, जिसके लिए वो डिजाइन की गई हो मशीन, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो देखो रहे हो ना, टाइप ऑफ मार्क ही रीड कर सकता है पेंसिल या पेन के, बट जो तुम्हारा OCR है, दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर डिवाइस, वो तुम्हारे नंबर्स को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, तुम्हारे अल्फाबेट्स को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, पहचान सकता है। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, तो इसका यूज देखें इन्होंने कहीं पे दिया, इट कन्वर्ट बिट मैप इमेजेस ऑफ कैरेक्टर्स टू इक्विवेलेंट ASCII कोड। ASCII कोड वगैरह हम लोग अभी पढ़ेंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, ये सब लोग कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया OCR। अब MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR सिस्टम्स इज यूज स्पेशल इंक विच कैन बी मैग्नेटाइज टू प्रिंट कैरेक्टर्स दैट कैन बी रीड एंड डिकोडेड बाई स्पेशल मैग्नेटिक डिवाइसेज। तो ये तुम्हारा MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। गाइस यहाँ पे ना तुम्हें इतना ज़्यादा ब्रीफ में नहीं चीज़ें आएंगी, बस फुल फॉर्म्स आएंगे या फिर कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बेसिक बेसिक बस। ठीक, अब पहली MICR डिवाइस रीड्स द डेटा ऑन द चेक्स एंड सॉल्ट्स द चेक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फर्दर प्रोसेसिंग। द रीडिंग स्टेशन यूज टू सेंस एंड आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक करेक्टर्स एज दे पास थ्रू। मैग्नेटाइज करेक्टर्स आर रीड बाई द हेड, एग्जाम्पल MICR यूज इन बैंक टू चेक द MICR सिस्टम यूज स्पेशल इंक कैन बी मैग्नेटाइज टू प्रिंट करेक्टर्स चेक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई तुम्हारी उसके लिए MICR। MICR डिवाइसेज यार तुमने देखी होगी ना, बैंक की चेक वगैरह पे जो डॉट डॉट करके प्रिंट करते ना, तो वो सारा तुम्हारे MICR डिवाइसेज हैं। ठीक है, इसके पास E13B फॉन्ट कंटेंस 0 से 9 नंबर्स एंड 4 सिंबल्स। ठीक है, ये सारा चीज़ें हो गई तुम्हारी। ठीक, अब बारकोड रीडर भी होता है, जैसे यहाँ पे कोई बारकोड है, बारकोड को रीड करने के लिए कि उसके अंदर क्या चीज़ है, उसके लिए बारकोड रीडर डिवाइस हो गई, तो वो भी तुम्हारा इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक, ये तुम्हारा BCR है, BCR मीन्स बारकोड रीडर डिवाइस। ठीक, तो मैंने इनका फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, BCR पढ़ा मीन्स बारकोड रीडर डिवाइस, और MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर डिवाइस, और OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक, तो इनके फुल फॉर्म याद कर लेना बस, और थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे बारकोड रीडर है तो ऑब्वियसली वो बारकोड रीड करेगी, OMR है तो OMR में सर्कल्स और या फिर स्क्वायर को ही रीड करेगी एक स्पेसिफिक मार्क को, और जो तुम्हारा है वो क्या बोलते हैं उसे OCR, वो तुम्हारे करेक्टर्स को भी रीड कर सकता है, अल्फा न्यूमेरिक है। ठीक, और जो MICR है ये स्पेशल लिंक को यूज करके इंक को यूज करते हैं, प्रिंट करेक्टर दैट कैन बी रीड एंड डिकोडेड बाई स्पेशल मैग्नेटिक डिवाइसेस। ठीक, तो ये सारी चीजें होंगे। ठीक, तो ये सारा MICR का हो गया। ठीक, चलो आप देखते हैं आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज विच आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट, वो आउटपुट डिवाइसेज हो गए तुम्हारी मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। ठीक, अब इनके फंक्शंस तो तुम्हें पता ही है, मैंने पहले ही बताए थे, एक्सेप्ट करती है रिजल्ट को फ्रॉम द CPU एंड वो तुम्हें शो करती है ऑन द स्क्रीन। ठीक, चलो अब इनका अगर देखें तो VDU तुम्हारा है, VDU मीन्स वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसे तुम मॉनिटर बोलते हो या फिर कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर भी बोल सकते हो। तो मॉनिटर पे तुम्हें क्या दिखता है, दिखता है ना जो चीज़ें हो रही हैं तुम्हारे सिस्टम में, जो चीज़ें आउटपुट दे रही हैं, जो इनपुट दे रहे हैं, वो सब उसी में दिखता है, तो वो क्या तुम्हारा आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक, अब आउटपुट डिवाइस में तुम चाहो तो ये सब पढ़ लेना, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, बाकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, LCD तुम्हें घर में लग गया, TV जिस पे तुम न्यूज़ वगैरह देखते हो, मैच देखते हो, वो LCD उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वहाँ से तुम्हें आउटपुट मिल रहा है ना,
तो वो हो गया ठीक। ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उतना कोई है नहीं, वो तो नॉर्मल सी चीज है, तुम्हें पता ही होगा एलसीडी क्या करती। ठीक, अब पीडीपी एक होता है, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। इन प्लाज्मा आर डिस्प्लेज आयोनाइज्ड गैस इज सैंडविच्ड बिटवीन टू ग्लास प्लेट्स, अ नंबर ऑफ पैरेलल वायर्स रन हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। अब पीडीपी एक तुम्हारा प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल होता है, उतना कोई यूज नहीं करता, ये बहुत पुराने टाइम पे यूज किया जाता होगा एज अ सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे क्या यूज होता था, आयोनाइज्ड गैस यूज होती थी बिटवीन टू ग्लास प्लेट। जैसे पुरानी पुरानी टीवी तुम देखे हो ना, ब्लैक एंड व्हाइट वाली, वो सब चीजें तुम्हारी प्लाज्मा में आ जाती। लार्ज वेट एंगल, थिनर होती थी, विड्थ में बहुत पहले आती थी ये। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा लेती थी। तो ये सारी तुम्हारी हो गई पीडीपी, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल, बहुत पहले ही वाली टीवी आती थी। ठीक, जब तक हम लोग होंगे नहीं तब तब आती थी ये वाली। तो प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी प्रिंट करने के लिए होता है। तो मैं अपने प्रिंटर के स्कैनर के ऊपर कोई भी, जैसे मार्कशीट प्रिंट करना, उसके ऊपर रखो, प्रिंट वाला बटन दबाओ, तुम्हारी आउटपुट दे देगी, तो वो तुम्हें आउटपुट मिलना है। ठीक, प्रिंटर भी बहुत सारे टाइप के आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर सेम मैकेनिज्म टाइप राइटर पे वर्क करता है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर, इट फॉर्म्स अ करेक्टर और इमेज बाई स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म सच एज हैमर व्हील अगेंस्ट इंक बटन, लीविंग इमेज ऑन द पेपर। तो ये तुम्हारा इम्पैक्ट प्रिंटर तो भाई बहुत पहले यूज होता था, तुमने देखा होगा वहां पे कोर्ट वगैरह में ना, कोर्ट वगैरह में, जैसे बहुत पुराना, जैसे आज भी तुम मूवीज में देखते हो, प्रिंट करने के लिए इम्पैक्ट प्रिंटर यूज होता है। जैसे कि वो डायरेक्टली तुम्हारे पेपर से कनेक्ट होता है, जैसे तुम्हें कोई चीज टाइप करवाना है तो बहुत जल्दी जल्दी वो लोग टाइप करते थे। और यहाँ पे मतलब कि क्या होता था, सिर्फ एक ही इंक होती थी ब्लैक, वो भी। तो यहाँ पे लिख रहा है फिजिकल कॉन्टेक्ट विद पेपर टू प्रोड्यूस आउटपुट, कॉस्ट कम होती थी, नॉइजी होता था, बहुत आवाज करता था, ये स्लो होता था क्योंकि वहां पे लिखा जाता, लो क्वालिटी प्रिंट आउट आता था, स्टैंड डस्टी एक्सट्रीम एनवायरमेंट। इट इज कैपेबल टू प्रिंट सिंगल करेक्टर और लाइन एट द सेम टाइम ना, वहां पे तुमने देखा होगा मूवीज में बहुत सारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो कॉमनली इम्पैक्ट प्रिंटर से डॉट मैट्रिक, डेजी व्हील, चेन ड्रम प्रिंटर, ये सब तुम्हारे एग्जाम्पल्स हो गए तुम्हारे इस वाले प्रिंटर के। ठीक है, तो मैं अभी इसका इमेज भी दिखा देंगे इम्पैक्ट प्रिंटर का। ठीक है, अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है फॉर्म्स कैरेक्टर्स इमेजेस ऑन द पेपर विदाउट एक्चुअली स्ट्राइकिंग द पेपर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो क्या करते हैं, अब जैसे नॉर्मली अभी जो प्रिंटर आ रहा है उसमें क्या, तुम स्कैनर में रखते हो किसी प्रिंट आउट को और वो तुम्हें बस स्कैन करके उसका आउटपुट निकाल दे, फिजिकल कनेक्शन कुछ नहीं होता है उसमें, तो वो तुम्हारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। ठीक, इंकजेट लेजर प्रिंटर इसके एग्जाम्पल है, फास्ट स्पीड होती है। ठीक, तो एबिलिटी टू चेंज फेस, चेंज टाइप फेस, क्वालिटी मिलती है भाई इसमें, एक्सपेंसिव थोड़ा होता है उस इम्पैक्ट प्रिंटर से क्योंकि यहाँ पे तुम्हें फास्ट परफॉर्मेंस वगैरह मिल रही है ना इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अब इसमें मेंटेनेंस भी कम होता है क्योंकि एक बार इंक डाल दी बस प्रिंट करते रहे, इंक खत्म हो इंक डाल दो बस। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स को अगर हम लोग देखें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गए इसका, डेजी व्हील प्रिंटर इसके एग्जांपल है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग पूरा ब्रीफ में नहीं देखेंगे बिकॉज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट आता है तो हम इनको डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, बाकी तुम इतना समझ लेना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये करेक्टर प्रिंटर होता है, कैपेबल टू प्रिंट सिंगल करेक्टर एट द सेम टाइम, अ फॉर्म करेक्टर्स इमेजेस एट पैटर्न ऑफ डॉट्स। तो ये तुम्हारा डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सब तुम्हारे एग्जांपल हैं उसके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। अब तुम्हारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो भी लेटेस्ट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। ठीक, लेज़र प्रिंटर, लेज़र लाइट्स को यूज़ करते हैं। अभी डिफरेंस तुम अगर देखना चाहो बाई स्ट्राइकिंग हैमर अगेंस्ट इंक रिबन, तो ये तुम्हारा पेपर का फिजिकली कॉन्टैक्ट होता था इम्पैक्ट प्रिंटर में तुम्हारे आउटपुट देने के लिए, बट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, तो ये स्लो स्पीड इसमें फास्ट मिलती है। अब प्लॉटर हो गया तुम्हारा, प्लॉटर इज आउटपुट विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्ड कॉपी आउटपुट ऑफ ग्राफिक्स, ये प्लॉटर भी तुम्हारा आउटपुट में आएगा। स्पीकर तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, तो ये सारे तुम्हारे थे डिफरेंसेज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम अगर फिगर देखना चाहो तो फिगर तुम देख सकते हो, चलो दिखाते हैं। ये तुम्हारा कीबोर्ड हो गया सिंपल चीज, ये तुम्हारी पॉइंटिंग डिवाइसेस, तुम्हारा माउस हो गया मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, ये देख रहे हो माउस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। ठीक, जॉयस्टिक हो गई गियर वाली, ये तुम्हारा ये मैंने बताया था ना, ये जैसे तुम्हारे डिवाइस है, ये तुम्हारा ट्रेस बॉल है, ये फिक्स्ड है एक जगह पे। अब ये तुम्हारा बीच में जो सर्कल है इसे तुम्हें इधर उधर मूव करना है, कर्सर तुम्हारा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव करेगा। ठीक,
अब तुम्हारा टच स्क्रीन ऐसे है, तुम जैसे जो भी टच कर रहे हो वहां पे वो चीजें हो रही वहां पे। तो टच स्क्रीन तुम्हारा इनपुट भी ले रहा है, आउटपुट भी दे रहा है। डिजिटल पेन ऐसे कुछ लिख रहे हो, लाइट पेन हो गया, ऐसे तुम डिजाइन करते हो, ठीक, तो तुम्हारा लाइट पेन हो गया। बायोमेट्रिक डिवाइसेज होती है, जिससे तुम भी बैंक जाते हो ना, तो बायोमेट्रिक डिवाइसेज तुम्हारे फिंगरप्रिंट लेती है, तो वो भी इनपुट एक्ट कर रही है, क्योंकि उस पर तुमने जैसे फिंगर लगाया तुम्हारा इनपुट, तुम्हारा बायोमेट्रिक, तुम्हारा थंब इम्प्रेशन उसने लिया और सिस्टम को दे दिया, तो वो इनपुट डिवाइस हो गई। माइक हेड हो गए, ये सब डिजिटल कैमरा तुम्हारा फोटो खींच रहा है, स्कैनर हो गया, ये सब तुम्हारे उसमें हो गया, ठीक। अब अगर आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पे मॉनिटर मिल जाता है, ये तुम्हारा प्रिंटर हो गया, प्लॉटर्स हो गए, ये बैनर वगैरह तुम्हें पता है ना, बैनर वगैरह प्रिंट होते, तो वो प्लॉटर हो गए तुम्हारे। अब ये प्रोजेक्टर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर जैसे तुम्हारा जैसे वॉल पे कुछ दिखाना है तो एक जगह पर रख दिया, वॉल पे तुम्हारी लाइट्स जा रही है, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। तो ये सब था। और कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो बोथ एक्ट करती हैं, इनपुट डिवाइसेस तो सिर्फ इनपुट लेती हैं, आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट देती हैं, बट इनमें बीच में जैसे तुम्हारा पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव से तुम इनपुट ले भी, जैसे पेन ड्राइव में कुछ डेटा पड़ा है, तुम्हारे पेन ड्राइव में मान लो एक मूवी पड़ी है, तुम्हें ये लैपटॉप में ले जाना है, तुम उसमें अपने यूएसबी पोर्ट में लगाओगे लैपटॉप में, तो वो तुम्हारी उस टाइम पे ऐड कर रही है इनपुट डिवाइस, क्योंकि तुम उसमें इनपुट लगा रहे हो, उसमें डेटा डाल रहे हो अपने लैपटॉप में, ठीक। और ये इस टाइम पे तुम्हारी ये इनपुट डिवाइस ऐड की। अब जैसे तुम उसमें से डेटा कुछ, अब तुम्हारे पास लैपटॉप में कुछ डेटा है, ठीक, अब लैपटॉप के अंदर से कुछ डेटा तुम्हें पेन ड्राइव में डालना है, तो उस टाइम पे वो ऐड करेगी आउटपुट डिवाइस। तो इस टाइप से पेन ड्राइव तुम्हारा बोथ ऐड करती है, इनपुट आउटपुट भी। इसी हिसाब से तुम्हारा मॉडम भी है, मॉडम में क्या है, मॉडम कनेक्ट हुआ, तुम्हारा लैपटॉप को सिग्नल दे रहा है, तो उस टाइम पे इनपुट होगा, और बाहर को सिग्नल वो आ रहे हैं, तो वो तुम्हारा उस टाइम पे आउटपुट हो गया। ऐसे तुम्हारा टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन से तुमने इनपुट भी दिया कंप्यूटर को, और वहीं से तुम्हें आउटपुट भी मिल रहा है, तो वो टच स्क्रीन हो गया। अब तुम्हारा कैमरा अगर देखो, तो कैमरे से तुम मतलब फोटोज ले रहे हो, उस टाइम पे वो क्या एक्ट करेगा, तुम्हारा कैमरे के जैसे वेबकैम है, तुम्हारा वेबकैम में तुम्हारी फोटोज इनपुट फॉर्म में जा रही है, तो वो तुम्हारा इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक। अब आउटपुट में कैसे होगा, जैसे तो कैमरे से तुमने कोई फोटो खींची, कैमरे के अंदर गई, तो वो इनपुट हो गया। अब कैमरे से तो प्रिंट करा रहे हो कुछ डेटा, उससे बाहर निकाल के ले जा रहे हो कहीं, तो उस टाइम पे वो एक्ट करेगा आउटपुट डिवाइस। ईयरफोन तुम्हारी हेडसेट है, वो क्या करती है, उसके अंदर स्पीकर भी होता है, माइक होता है, माइक एक्ट करेगी तुम्हारा इनपुट डिवाइस, और जो स्पीकर से आवाज बाहर आएगी वो आउटपुट डिवाइस। तो ये बस कॉमन सी ही चीज़ है, ठीक। और ये सीडी की बात करें, सीडी भाई सेम ही चीज़ है, सीडी से तुम कोई डाटा डालोगे लैपटॉप में तो इनपुट एक्ट करेगा, और लैपटॉप से कोई डाटा सीडी में डालोगे तो आउटपुट में एक्ट करेगा। तो ये जो सिंपल सी चीज़ है, ठीक। चलो क्या देखते हैं, एक बेसिक वेबसाइट है बहुत अच्छी, गीक्स फॉर गीक्स, तुम्हें सब पता ही होगा, तो यहाँ पे चलो थोड़ा देख लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड हो गया, ये सारे तुम्हारे इनपुट डिवाइस हम तुम्हें बता चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा फिगर देखते हैं, ये कीबोर्ड हो गया, इसमें कीज हो गई, ये तुम्हारा माउस हो गया, ये जॉयस्टिक हो गई, ट्रेस बॉल, लाइट पेन ये हो गया, तुम्हारा स्कैनर हो गया, ठीक। यहाँ पे ये तो तुम्हें पता ही, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर OCR जो करेक्टर्स को भी रीड कर सकता है, OMR तुम्हारा सिर्फ एक स्पेशल मार्क को रीड करेगा, दैट इज सर्कल को, ठीक। अब मैग्नेटिक करेक्टर रीडर, इट इज डिवाइस दैट इज यूज इन बैंक्स टू डील विद द चेक्स, चेक्स वगैरह से रीड होती है, तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर वहाँ पे यूज होता है। ये बारकोड रीडर, बारकोड को तुम्हारे रीड करेगा, वो बताया, ठीक। अब वेब कैमरा हो गया तुम्हारा, डिजिटाइजर जो तुम्हारी एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, इट कन्वर्ट सिग्नल्स इनटू न्यूमेरिक सिग्नल्स, ग्राफिक टेबलेट वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह में यूज करते हैं इसे, डिजिटाइजर। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया था ना, एक AI वेबसाइट का, जहाँ पे तुम नॉर्मली ऐसे रैंडमली कोई इमेज जनरेट कर दो, वो उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब माइक्रोफोन हो गया, आउटपुट में देखो तो माइक्रो, तुम्हारे पास ये मॉनिटर जो भी है तुम्हारे डिफरेंट टाइप के, कैथोड रे ट्यूब, ये तुम्हारा हो गया CRT अगर है तो फुल फॉर्म है तो कैथोड रे ट्यूब वहाँ पे बोल देना। फ्लैट पैनल, ये तुम्हारा आजकल आ रहा, पहले बहुत बड़े बड़े टीवीज आते थे बहुत बिग साइज में, ठीक। टेलीविजन हो गया तुम्हारा, LCD हो गया, प्रिंटर, प्रिंटर में बहुत सारे तुम्हारे इम्पैक्ट करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर, इंकजेट, तो सारे प्रिंटर तुम्हारे आउटपुट में आएंगे, ठीक। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, आर प्रिंटेड ऑन द रिबन विच इज सब्सिक्वेंटली क्रस्ट अगेंस्ट द पेपर इन इम्पैक्ट प्रिंटर, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, लो कंज्यूमर कॉस्ट, क्वाइट नॉइज, ये मैंने तुम्हें बताया था। इम्पैक्ट प्रिंटर, फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है तुम्हारे प्रिंटर का तुम्हारे पेपर से प्रिंट करने में, एक एक लाइन प्रिंट होती है, कभी कभी एक एक करेक्टर या फिर वर्ड प्रिंट होता है, तो इसे काफ़ी टाइम लग जाता है, नॉइजी बहुत होता है, और बट कॉस्ट कम होती है, ठीक।
तो तुम्हारे पास करेक्टर प्रिंटर है, ये करेक्टर प्रिंटर हैज एबिलिटी टू प्रिंट ओनली वन करेक्टर एट अ टाइम। इसमें एक एक करेक्टर प्रिंट होता है। ये दो टाइप के हैं, डॉट मैट्रिक्स और अ डेजी वेल। लाइन प्रिंटर जिसमें एक एक लाइन प्रिंट होती, वो तुम्हारे लाइन प्रिंटर हो गए। उनके नेम से ही तुम जान सकते हो कौन सा प्रिंटर क्या काम करे। करेक्टर प्रिंटर है तुम्हें सो करेक्टर को प्रिंट करेगा वन एट अ टाइम। लाइन प्रिंटर मीन्स लाइन को प्रिंट करेगा वन एट अ टाइम। इसके एग्जाम्पल्स हैं ड्रम एंड चेन। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बेसिकली आज हम लोग जो यूज करते हैं विदाउट नीड अ रिबन इन द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बिकॉज दीज प्रिंटर्स फुल प्रिंट कर सकते हैं फुल पेज एट अ टाइम। तो ये फुल पेज प्रिंटर्स भी बोल सकते हैं। इसके करेक्टर्स फास्टर हो गए, लॉट्स ऑफ नॉइस नहीं करते हैं, इनकी स्पीड भी फास्ट होती है। ठीक, इसके एग्जांपल्स लेजर प्रिंटर यूज बेसिकली लेजर लाइट्स यूज करते हैं प्रोड्यूसिंग डॉट्स। ठीक, अब इंकजेट प्रिंटर्स जो है स्प्रे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं फॉर प्रिंटिंग पेपर्स। ठीक, अब तुम्हारे स्पीकर्स हो गए जिससे वॉइस आती है, प्रोजेक्टर हो गया तुम्हारा, प्लॉटर हो गया मेकिंग ग्राफिक्स ऑन अदर इमेजेस टू गिव रियल व्यू, ग्राफिक कार्ड इज मैनुअली रिक्वायर्ड फॉर दीज डिवाइसेज। तो ये सब तुम्हारे हो गए प्लॉटर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं इसके, प्लॉटर वगैरह। ओके गाइस सॉरी, आई एम रिसीविंग वन कॉल। ओके लेट्स कंटिन्यू, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब तुम्हारा ब्रेली रीडर हो गया, इंपॉर्टेंट बाई ब्लाइंड पीपल्स के लिए। तुमने देखा होगा डिवाइसेज यूज होती हैं जो मतलब लोग नहीं देख नहीं सकते, उनके लिए ब्रेली रीडर होता है। वो तुम्हारा एक आउटपुट डिवाइस है, वीडियो कार्ड आउटपुट डिवाइस है, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये डिफरेंट, ये इसकी फुल फॉर्म तुम याद कर लेना, जीपीएस की फुल फॉर्म कभी कभी आ जाती। वो तुम्हारा आउटपुट डिवाइस है जीपीएस, हेडफोन्स हो गए। ठीक, अब कुछ चीजें जो है इनपुट और आउटपुट दोनों चीजें ऐड करती है। हमने तुम्हें बताया जैसे यूएसबी है, मैंने तुम्हें बताया यूएसबी मॉडम सीडी डीवीडी हेडसेट फेसी फैक स्माइल। ओके, ये जो फैक्स मशीन, अच्छा फैक्स स्माइल, तो ये भी तुम्हारा फैक्स, ये जो है ये स्कैनर भी कभी कभी स्कैन भी इनपुट भी लेती है आउटपुट भी देती है, तो इसलिए ये दोनों एक्ट करती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, हमने तो सारी चीज़ें तुम्हें पहले ही बता दी थी। इनपुट आउटपुट का डिफरेंस है ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया क्या क्या डिफरेंस है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई तुम्हारे बेसिक चीज़ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, इससे अलावा बाकी कुछ नहीं इससे आएगा, उतना कोई चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अब हम लोग कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। गाइज ये वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, स्यूडो कोड क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं, रेक्टेंगल हो गया स्टार्ट एंड के लिए, प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, एल्गोरिदम क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स इंस्ट्रक्शंस, और हम लोग कुछ फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम भी करेंगे। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो चीज़ें हम लोग सारी चीज़ें डे सेवन में करेंगे। आज डे सिक्स था, कल हम लोग करेंगे उसे डे सेवन में। ठीक, एल्गोरिदम फ्लो चार्ट करेंगे, उसके बाद इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करेंगे और एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर सिस्टम करेंगे। नंबर सिस्टम हमारा 2-3 दिन चलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक, बाइनरी हेक्सा डेसिमल और ये सारी चीज़ें करेंगे हम लोग, ऑक्टल वगैरह। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइज, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल देन यू कैन प्लीज सब्सक्राइब इट, बिकॉज इट्स फ्री फॉर यू बट इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। ओके, एक बार हिंदी में भी बता देते हैं गाइज, अगर तुमने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपके लिए तो ये फ्री है बट इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं तुम्हें फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारी पीडीएफ सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और एक सेशन में हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। ये नहीं कि हम लोग वीडियो में कोई फालतू बातें नहीं करते, तुम लोग यूट्यूब पे देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग फालतू बातें करते हैं, 10-15 मिनट तो अपने उसमें चले जाएंगे प्रमोशन करने में, बीच बीच में प्रमोशन करने लगेंगे, चैट पढ़ने लगेंगे, ये बैच आ रहा वो बैच आ रहा इतने पैसे का वो सारी चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सारा कुछ फ्री में मिल रहा है, क्वालिटी कॉन्टेंट मिल रहा है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, एंड गाइज, हम लोग डेली लाइव आएंगे इन द इवनिंग 8 PM। ठीक है, 8 बजे हम लोग लाइव आएंगे, 10-15 मिनट का लाइव रहेगा। अगर तुम लोग को कोई डाउट हो तो तुम वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। बाकी दिन भर में जो भी पढ़ाई किया उसका रिवीजन हम लोग वहाँ पे करेंगे, और अगर तुमको कोई क्वेरी आती है उस टाइम पे तो तुम मुझे पूछ सकते हो। ठीक, अगर तुम लोग बताओगे तो हम लाइव सेशंस भी करेंगे, लाइव में हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो इसमें हम लोग आपस में इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस। बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज़।